चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर रोज़ आपको वीडियो मिल सके सो हेलो गाइज वेलकम बैक ऑन चैनल सो आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम मिस कॉल कॉल अलर्ट के बारे में यानी जब इनकमिंग कॉल का अलर्ट कैसे स्टार्ट करें कैसे ऑन ऑफ करें तो सिंपली जब आपका फ़ोन सीज ऑफ होता है या फिर आपका फ़ोन रेंज में नहीं रहता है नो no रेंज रहता है उस टाइम आपको कोई कॉल करता है जब आपका फ़ोन सीज ऑफ या नो no रेंज में रहता है उस टाइम कोई कॉल करता है तब आपको कैसे पता चले कि हमारे को किसी ने कॉल किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अब देखते हैं कि कौन सी सेटिंग्स आपको ऑन करनी है तो जिबले आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी अपडेट ऐसी हम न्यूज़ ट्रिक्स देते रहते हैं इस वीडियो यानी कि चैनल के थ्रू तो आइए स्टार्ट करते हैं तो सर्वप्रथम आपको जाना है मोबाइल सेटिंग्स के अंदर जो आप देख सकते हो घूमता हुआ आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको तो वो है सेटिंग्स आपको उसको वो ओपन करना है तो मैं यहाँ पर ओपन करने के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो सिंपली ऐसे ऑप्शन में आपको बहुत परेशानी होती है मिलने में तो आप सर्च भी कर सकते हो जब आप देखते हो कि सर्टिंग के ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिलने वाला है आइकन के थ्रू तो यहाँ पर आप देखते हो तो ओपन कर लेते हैं सिंपली यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ एडवांस तो आपको सिंपली टाइप करना है एडवांस सेटिंग्स आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो आप सर्च कर सकते हो ताकि आप जल्दी मिल जाए तो एडवांस सेटिंग ऑप्शन आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर जब तब आप फर्स्ट वाले को निकालते हो तो उसमें कुछ अलग सेटिंग्स आती है लेकिन वो कॉल इन्फॉर्मेशन के लिए भी होती है तो सिंपली आपको जो थर्ड नंबर पर कॉल्स यानी एडवांस सेटिंग दी हुई है उसको आपको ओपन करना है तो मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ और आपको शो करा देता हूँ आइकन को यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये राइट का चिन्ह किया है तो ये है एडवांस सेटिंग्स सिंपली आपको इसके अंदर जाना है और जैसे आप इसके अंदर एंट्र करते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है मिस कॉल कॉल अलर्ट यानी कि रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा होगा तो सिंपली यानी कि मिस कॉल रिमाइंडर रिमाइंडर का मतलब होता है यानी कि जब भी कोई मिस कॉल करेगा आपका फ़ोन डेड होगा सीज ऑफ होगा या फिर नो no रेंज होगा तब आपको ये रिमाइंडर भेजेगा कि आपको एक मिस कॉल मिला है सिंपली जब आपका फ़ोन सीज ऑफ था ऑफ था उस टाइम तो यहाँ पर ये पूरी मोस्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नो no रिमाइंडर कर रखा है क्योंकि मेरे को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है सिंपली कोई मिस कॉल इनकमिंग आए तो उसकी जानकारी के लिए तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको वन टाइम टू टाइम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो ये आपके फ़ोन पर डिपेंड करता है आपके तो यहाँ पर मैं आपको टू टाइम कर सकता हूँ थ्री टाइम फाइव टाइम या टेन टाइम तो उससे कोई आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली है तो सिंपली आप टू टाइम कर सकते हो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको इनकमिंग कॉल आने वाला ये सॉरी आया है या फिर कब आया था कितनी बजे आया था आप सबका फ़ोन स्विच ऑफ था किस किसने आपको मिस कॉल किया है तो सिंपली सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाती है तो कैसेज़ को आपको सेट करना है सिंपली आपको टू टाइम्स यहाँ पर करके सेट रख देना है ताकि जब भी कोई इनकमिंग कॉल आए तब आप आसानी से उसे देख सको कि कोई इनकमिंग कॉल आया जब आप कोई बिजी भी हो तब भी ये काम करती है ट्रिक तो सिंपली आपके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक हो सकती है मेरे ख्याल से तो आपको नो रिमाइंडर कर सकते हो आपका ये अलर्ट है वो बंद भी हो जाएगा जो रिमाइंडर आपने सेट किया था उसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो नो रिमाइंडर करके भी और ऑन करके सिंपली आप टू टाइम्स करोगे तो भी वो आपको ऑन हो जाएगी तो इस प्रकार आप सेटिंग्स को ऑन कर सकते हो किसी भी कॉल अलर्ट इनकमिंग कॉल के लिए थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो शेयर योर फ्रेंड फ्रेंड